Good morning, children. I am in third class, right? देखिए, इसमें हमारा क्या चल रहा था? हमारा पार्ट सेकंड चल रहा था, तो हम लोग डाल लेते हैं इसको बोर्ड पे, ठीक है? इसमें मैंने आपको पढ़ा चुकी थी, आप जो बाकी का रह गया उसको कंप्लीट करेंगे, ओके? अनुस्वार अनुनासिक में अंतर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? अब पढ़ेंगे स्वरों का प्रयोग। स्वरों सुरों का प्रयोग कैसे होता है? स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कैसे? मूल रूप में और मात्रा रूप में। मात्रा रूप में कैसे होता है और मूल रूप में कैसे होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, फिर आगे का आप खुद करिएगा, ठीक है? मैं तो क्या थोड़ा सा ही बताऊंगी, बाकी पूरा नहीं बताऊंगी। बहुत सारे, चलिए बताती हूँ बोर्ड पे। मूल रूप और मात्रा रूप, ओके? तो ये हमारा क्या है? अव। क्या ये? अव और अनाप। मात्रा रूप क्या है इसका? कमल। फिर आ आम। आपकी मात्रा लगा दे इसमें तो गा जर, ठीक है? फिर इकी इमली, हिरण, उल्लू, गुलाब, बड़ाऊ, ऊपर, झूला, ऋषि,
मात्रा ये वाली, एज ए छोटा उल्लू छोटा वो उसे उल्लू, तो उसकी मात्रा ये होती है छोटी वाली, ठीक है। बाकी के जो स्वर है वो आप खुद कीजिएगा अपने से, वो मैं नहीं कराऊंगी आपको, राइट। ऐसे ही आपको अपने से और भी पूरे कंप्लीट करने हैं। या आप देख लो भाई, इधर करा देते हैं, मैंने कहा पूरे हो जाएंगे, ये तो फिर दर्द हो जाएंगे, आप कैसे करोगे भाई, तीन को बना ले इसमें। ठीक है, तो ऋषि की बात एक मात्र शेर एनर बैल, मात्रा इसकी ये है, दो मात्रा लगती है इसके ऊपर बैल, फिर ओ ये इस तरीके से आपको करने हैं। फिर उसके बाद में आएंगे व्यंजन, ये तो स्वर हो गए, फिर व्यंजन है, इन्हें स्वरों की मदद से बोला जाता है, किसकी मदद से, स्वरों की मदद से बोला जाता है व्यंजन को। अभी जैसे आप और आगे बड़ी क्लास में आओगे तो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से। तो क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ष ष ह छ त्र ज्ञ नि, ठीक है, ये हो गया। व्यंजनों की पहली पांच पंक्तियों में पांच पांच वर्ग आते हैं, ये व्यंजन वर्ग कहलाते हैं। हर पंक्ति का पहला व्यंजन वर्ग के नाम से आता है, जैसे कि क तो क्या हो जाएगा, क वर्ग, च तो च वर्ग, ट ट वर्ग, ठ वर्ग, सॉरी त त वर्ग, प प वर्ग, बस उसके बाद में जो आएगा वो क्या आएंगे, सिर्फ इसमें प वर्ग तक दे रखे हैं। आप देख लीजिएगा अपनी बुक में, ये देखिए व्यंजनों की पहली पांच पंक्ति में पांच पांच व्यंजन आते हैं, ये व्यंजन वर्ग कहलाते हैं। हर पंक्ति का पहला व्यंजन वर्ग के नाम से आता है, जैसे क वर्ग कहने पर आएंगे क ख ग घ ण, च वर्ग कहने पे आएंगे च छ ज झ ण, ट वर्ग कहने पे आएंगे ट ठ ड ढ ण, ठीक है, और त वर्ग कहने पे आएंगे त थ द ध न, प वर्ग कहने पे आएंगे प फ ब भ म, इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या दे रखा है, र लिखने के तरीके, अब मैं इसको बोर्ड पे बता देती हूँ आपको,
जो बोर्ड पे लिखा है वो आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। तो इतने में कथा छोटे से रमजान और रजनी, ठीक है। ये तो रा हो गया, रा और रहित है, इसमें और भी है तो मैं इसको यहां से इरेज कर देती हूँ नीचे वाले को। इसका ही आगे और बता रहे र लिखने के तरीके देखो। फिर एक आता है ये वाला र, ये तो इसको कैसे लिखेंगे यहां से देखो। देख लीजिए ये हो गया हमारा, फिर बाकी का आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए ओके बाय।